Today's lesson is Family Feeling. This is a poem written by Charles Casley. In this poem, he tells about his uncle Alfred. My uncle Alfred had terrible temper, wrapped himself up in its invisible cloak. When the mood was on, his children crept from the kitchen. It might have been mind, not even the Babaji spoke. शायर कहते हैं कि मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले थे. वो अपने आप को एक नादिदनी चोगे में लपेटे रखते. जब वो गुस्से में होते तो बच्चे किचन से खिसक जाते, भाग जाते, ऐसे जैसे किचन में बारूदी सुरंगे सुरंगे बिछी हों. यहाँ तक कि गाने वाला परिंदा भी ना बोलता. He was killed in the First World War in Mesopotamia. His widow rejoiced, though she never wished him dead. After 3 years, a postcard arrived from Southampton. Coming home Tuesday, Elf was what it said. वो पहली जंग अजीम में हलाक हो गए. उनकी बीवी उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, अगरचे वो ऐसा नहीं चाहती थी. 3 साल बाद एक पोस्ट कार्ड मौसूल हुआ साउथहैम्पटन से, जिस पर लिखा था कि मंगल को घर पहुंच रहा हूँ एल्फ. हिज फेवरेट फ्लावर ही कॉल्ड द एंटी मेरिनियम grew it instead of greens on the garden plot. Don't care much for children, though father of 7 owned in his lifetime 9 dogs, all called Spot. Unka pasandida phool antimeranium tha. Antimeranium ko snapdragon ya dragon flower bhi kehte hain. इसका नाम जो है ये इसकी ड्रैगन के मुंह से मुशाबत की वजह से ये ड्रैगन फ्लावर्स को कहा जाता है. वो अपने बगीचे में सब्जियों की बजाय एंटी मेरिनियम फूल ही उगाते. वो अपने बच्चों की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, अगरचे उनके 7 बच्चे थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 9 कुत्ते पाले और सबका नाम स्पॉट रखा. एट कार्निवल टाइम